ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी से, जहां पर स्मृति ईरानी वोट कास्ट कर चुके हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी उनका नंबर आ गया। महिलाओं की लाइन थोड़ी सी छोटी थी और स्मृति ईरानी अभी मतदान केंद्र से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि ये एक तरीका भी होता है कि पहले मतदान करना है उसके बाद मीडिया से बात करनी है। कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, शायद सुनेंगे। आराम से महिलाएं नीचे देखिए, ध्यान से रिपोर्टर्स थोड़ा देख ले, महिला पत्रकारों को खुद धक्का ना दे। लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, धन्यवाद। भाई साहब चलते जाइए, भाई साहब चलते जाइए। मैडम स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र का आराम से महापर्व है ये, और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लें। स्मृति ईरानी और शायद इंडिया न्यूज की टीम भी देखिए स्मृति ईरानी के पास, सुनिए। आराम से थैंक यू। स्मृति ईरानी अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी ने वोट जो है वो यहाँ से गौरीगंज में डाला हुआ। अमेठी की सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो देखने को मिलता है, हमेशा ही हॉट सीट जो है इसको कहा जाता है। और देख सकते हैं तस्वीरों में स्मृति ईरानी ने वोट जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, और इस बार का बैटल जो है वो स्मृति ईरानी वर्सेज किशोरी लाल शर्मा के बीच में देखने को मिले। कोई बात नहीं भाई। आरजू सेठ लाइव रिपोर्ट कर रही हैं अमेठी से, जहां पर स्मृति ईरानी वोट कास्ट कर चुकी हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने बहुत ज्यादा बात नहीं की मीडिया से, ये कहा कि अपने मत का इस्तेमाल करना है, अपने कर्तव्य को पहचानिए, और ये बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी चाहिए। आरजू बता रही थी कि किस तरीके से केएल शर्मा के साथ स्मृति ईरानी की जो फाइट है इंटरेस्टिंग है। हालांकि स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। सुबह से लेकर अब तक हम लगातार अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि आप भी घर से निकलिए, अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, और बड़े नेताओं के साथ साथ सेलिब्रिटी भी हैं, जो कि महाराष्ट्र की भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़े चेहरे घरों से निकले हैं, मत का इस्तेमाल किया है, और लगातार लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि बड़े चेहरे जब कहते हैं कि वोट डालिए तो उसका अलग असर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि रिकॉर्ड संख्या में अपने घर से निकलकर मतदान कीजिए और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाइए। आपका अपना चैनल लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है, इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी तैयारी भी है। ये राइट साइड आप देखिए, 2024 के चुनावों को देखते हुए किन राज्यों को लेकर कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ 5 जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं, बड़े चेहरे वक्त से घर से निकले। बिल्कुल, 5वां राउंड और कई दिग्गजों का इम्तिहान आज। 5 अलग अलग तस्वीरें, सबसे पहले विंडो में तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वोट कास्ट अपना कर चुके हैं। सुबह सवेरे आज सबसे पहली तस्वीर दिग्गजों में जो सामने आई थी वो थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तस्वीर। दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं, लखनऊ में अपना वोट कास्ट किया गया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से। साथ ही साथ उज्ज्वल निगम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, देश के जाने माने वकील हैं, उनकी तरफ से भी अपना वोट कास्ट किया गया। आशीष शेलार बीजेपी अध्यक्ष मुंबई में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख। साथ ही साथ लल्लू सिंह की ओर से भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया गया, फैजाबाद की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अयोध्या इस बार बेहद खास है, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा मुद्दा जो कि ना सिर्फ अयोध्या में जिसका जिक्र ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, वहां से लल्लू सिंह जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया।
पश्चिम बंगाल की भी 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और मेरे साथ रैनिक जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। रैनिक, वहां पर किस तरह से चल रही है वोटिंग की प्रक्रिया और घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं क्या वोट कास्ट करने के लिए? आज पांचवें चरण के मुद्दे क्या वहां? विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का? प्रत्याशी बदलने का परिणाम सब चलते जाइए। धन्यवाद। मैडम चलिए भाई, नेता और राष्ट्र सेवक को अपना वोट दिया है स्मृति ईरानी ये कहते हुए और ये उम्मीद जताते हुए कि लोग भी अपने घरों से निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले जाएं। जब वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, पिछले 4 चरणों में 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है।